अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजाला मिर्ज़ा, अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मिर्ज़ा बेगम, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। इंडिया की अगर मोस्ट फेमस डिशेस की बात की जाए तो उनमें से एक राजमा मसाला पक्की होगी। तो आज मैं भी आपके लिए वो रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं अपने घर के किचन में अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। तो आइए देखते हैं वो कैसे बनती है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। राजमा मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम कश्मीरी राजमा, जिसे ओवरनाइट सोक किया हुआ है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 टमाटर की फ्रेश प्यूरी, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में राजमा को डालेंगे और साथ में एक बड़ी इलायची डालेंगे और थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे और अब इसमें 1/2 लीटर पानी भी शामिल कर देंगे। अब ढक्कन लगाकर इसको हम 2 सीटी हाई फ्लेम पर फिर 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ प्याज को कद्दूकस कर रही हूँ, आप चाहें तो बारीक चॉप भी कर सकते हैं। और अब टमाटर को भी बारीक चॉप कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं राजमा को पकते हुए, ढक्कन खोल लेते हैं। दिखने से ही लग रहा है कि ये गल गई है, हाथ से मसल कर भी चेक कर लेते हैं। अब इसको चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे, इससे दाल में गाढ़ापन आता है। अब एक पॉट में सरसों का तेल गरम कर लेंगे, आप कोई और भी तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा, फ्लेम को ऑफ करके इसमें ये सारे खड़े मसाले शामिल कर देंगे और जब ये अच्छी तरह से चटकने लगेंगे तो फौरन ही से प्याज शामिल कर देंगे। इस तरह से हमारे खड़े मसाले जलेंगे नहीं। अब प्याज को हल्का सुनहरी होने तक भूनेंगे। राजमा में हमेशा प्याज की क्वांटिटी कम रहती है और टमाटर की ज़्यादा। देखिए प्याज सुनहरी होना शुरू हो गई है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, अदरक का पेस्ट डालेंगे और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल देंगे। अब इनको हल्का ही भूनेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं भूनना है क्योंकि राजमा में लहसुन अदरक का कच्चा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें चॉप टमाटर भी शामिल कर देंगे, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि नमक की मदद से टमाटर जल्दी से गल जाएं। टमाटर भून चुके हैं, अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर भी शामिल कर देंगे, इससे दाल में बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। मसाले जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे दाल उतनी जायकेदार बनेगी। देखिए तेल ऊपर नज़र आने लगा है, इसका मतलब है मसाला भुन चुका है। अब इसमें फ्रेश टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे और इसको भी भून लेंगे। चॉप टमाटर और टमाटर की प्यूरी दोनों ही तरह से हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि राजमा में जो स्टार्च होता है जब वो टमाटर के साथ मिलता है तो उस दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कसूरी मेथी भी शामिल कर देंगे। तो लीजिए मसाला पूरी तरह से भुन चुका है, अब इसमें उबली हुई राजमा शामिल कर देंगे और इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। अब इसमें ये जो पानी है जिसमें हमने राजमा उबाली थी इसको भी शामिल कर देंगे।
अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। धनिया खूब सारा डालिए क्योंकि हरा धनिया राजमा का दोस्त होता है, इसके बिना राजमा का टेस्ट अधूरा रहता है। अब पॉट को ढककर फ्लेम को हल्का करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो लीजिए 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी राजमा तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अंत में थोड़ा और धनिया ऐड करेंगे और सर्व करेंगे इसे स्टीम राइस के साथ। इतनी टेस्टी राजमा बनती है कि आप जब भी बनाएंगे तो खाने वालों के हाथ नहीं रुकेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मेरी रेसिपी से एक बार राजमा ज़रूर बनाकर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखते रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।